पहले तो आपके तमाम दर्शकों को मैं समर चतुर्वेदी प्रणाम करता हूं। और रही बात एक रात की शादी, तो ये आप ही ने मुझे संदेश दिया है, मैं तो इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ हूं। अब देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो ये कितना दिलचस्प होता है, ये आगे समय बताएगा। शादी तो एक रात में ही होती है, जो हिंदू परंपरा है, सुबह से लेके रात शाम से लेके सुबह तक शादी को होता है, इसमें क्या ट्विस्ट होने वाला है एक रात में? देखिए राम बाबू, क्या है ना कि पहले बहुत शादियां लंबे प्रोसेस में चलती थी, मेहंदी होती थी, महिला संगीत होता था, हल्दी लगता था, फिर फेरे होते थे, फिर विदा होता था। अब ये एक दिन की जो शादी हो रही है, मैं अभी इस बात से मैं पुनः कहूँगा कि मैं अनभिज्ञ हूँ, और इस अनभिज्ञता को बस ये कहूँगा कि कुछ ना कुछ दिलचस्प होगा, जो हमेशा से यश जी की पिक्चरों में होता है ट्विस्ट एंड टर्न, तो कुछ होगा तो वो आप लोगों के सामने आ ही जाएगा, अभी बता के कोई मतलब नहीं है। देखिए, एक ये बहुत अच्छा है कि अंदर का कलाकार कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ ना कुछ नया ढूंढता है, और यश जी के साथ ये है कि यूँ तो हर कलाकार अपने लिए नया कुछ ढूंढता है, यश जी अपने मनपसंद सिनेमा खुद बनाते हैं और बाहर के भी निर्माताओं के साथ काम करते हैं, तो अब कहीं ना कहीं एक ऐसा दर्शक वर्ग है जो ये जानता है कि अच्छा, इनका सिनेमा आ रहा है, इसका मतलब कुछ अलग होगा, तो एक दर्शक वर्ग जो खड़ा हुआ है यश जी को देख के, तो उसके लिए हमेशा एक कहीं ना कहीं यश जी स्वस्थ मनोरंजन देते हैं। हर आदमी के कहीं ना कहीं खुद के अपने जो दर्शक हैं, प्रशंसक हैं, उनके लिए वो कहीं ना कहीं कुछ बेहतर करना चाहता है। आपका कैरेक्टर किस तरीके से जस्टिफिकेशन में होने वाला? देखिए, शूटिंग का पहला दिन, और पहले दिन ही आपने मुझसे कौन बनेगा करोड़पति का 5 करोड़ का सवाल पूछ लिया, और मैं अभी बिल्कुल नहीं बताऊँगा कि क्या है, इसको मैं सिर्फ ख़त्म करूँगा व्यावसायिक प्रतिबंधता, तो मैं अभी कुछ नहीं बताऊँगा कि नकारात्मक है, सकारात्मक है, कि हास्यास्पद है। जब सिनेमा आएगा, आप लोग देखेंगे, अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे। रुस्तम भाई के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं एक अंदर के कलाकार में थोड़ा सा डर है, क्योंकि पहली बार काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक डर झिझक होती है, वो मुझे और मैं उनको समझूं, वो जो सामंजस्य बैठे, वो पुल का निर्माण होना ज़रूरी है। पहला दिन है तो मैं खुद अभी बहुत घबराया हुआ हूँ, पहले दिन के बाद चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और जहाँ तक उनकी बात है तो वो कहीं ना कहीं अभी तक मुझे जितने भी निर्देशकों के साथ काम किया, ये भी एक सकारात्मक सोच वाले जुनूनी निर्देशक हैं। अच्छा सिनेमा हर कोई बनाना चाहता है, और ये फिर दर्शकों के आगे छोड़ देता है सफल और असफल क्या होना। रक्षा जी और यश जी की तो जोड़ी वैसे ही बहुत हिट है और बहुत सारी फिल्मों में आई है, और कुछ ना कुछ तो अलग होगा, तभी वो दोनों फिर से हैं। अब वो अलग क्या है, आपके साथ साथ मैं भी जानने को उत्सुक हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, ये सवाल मत पूछा करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रहता है काम करने के बाद कुछ ऐसा विलंब हो जाता है कि कोई सिनेमा 3 महीने, कोई 6 महीने, कोई साल भर के विलंब से आता है, किसी का नाम छूट जाएगा तो अनावश्यक वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। बस ये कह सकता हूँ कि अभी जो बिल्कुल रिलीज़ होने वाली है, जो बहुत ज़्यादा जिसकी प्रतीक्षा है, वो है रंग दे बसंती, जिसका 2 तारीख को ट्रेलर आ रहा है और 22 मार्च को वो रिलीज़ हो रही है। तो केसारी जी हीरो हैं, SRK म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रही है, प्रिमांशु सर डायरेक्टर हैं, तो रोशन सर, शर्मिला भाभी, प्रिमांशु सर, केसारी जी, उसमें मैं भी हूँ, तो बस उसी की उत्सुकता है। इसके पहले मैंने करी है राजघराना फिल्म्स की, नीरज रणधीर जी द्वारा निर्देशित और प्रिंस भैया द्वारा फिल्मांकन फिल्म कलंकनी, मेघा जी उसमें एक कह सकते हैं कि मुख्य चरित्र के रूप में है, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वो भी,
कि बेटा भाग्य से बेटी सौभाग्य से, और हम लोग सौभाग्य को बेचते हैं दहेज के नाम पर। तो ऐसे ही कुछ ताना बाना है, बहुत अच्छा लगा वहाँ भी काम करके, और वो काम करने के बाद फिर यहाँ आया हूँ। तो अब देखते हैं ये यात्रा कैसी होती है। देखिए मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जो अच्छा सिनेमा है ना उसको ढेर सारा भर भर के प्यार दीजिए। हम सब मेहनत इसलिए कर रहे हैं दिन रात कि आपका मनोरंजन हो, एक स्वस्थ मनोरंजन संदेश वाली कोई सिनेमा आप लोगों के सामने आए। और अगर सिनेमा घर के हालत अच्छे हो गए तो प्लीज़ सिनेमा घर में जाके देखिए सिनेमा।